आइए देखते हैं मजा आएगा। पुलिस के अधिकारी खड़े हैं, कृपया बताएं कि रास्ता क्यों रोका गया है। जो जिम्मेदार व्यक्ति हो वो कृपया बताएं रास्ता क्यों रोका जा रहा है, मठ में अंक लोगों को निकलने क्यों नहीं दिया जा रहा है। आपको बताया गया था पहले ही कल से कि वहाँ पे आपको जाने की अनुमति नहीं है। भाई अनुमति नहीं है, क्यों नहीं है, उसका कारण बताइए हमको, हमको कारण बताइए। कोई भी नई परंपरा के लिए अनुमति देनी नहीं, परंपरा नहीं है, पहले से हमारी परिक्रमा होती रही है, उसके प्रमाण है हमारे पास। कोई अनुमति नहीं है जो नहीं, आप कह रहे हैं नई परंपरा, नई परंपरा नहीं है ये परंपरा हमारी बहुत पुरानी है। वो चीज आप कोर्ट में लीजिएगा, वो बात आप कोर्ट में रखिएगा। नहीं आप कह रहे हैं ना कि नई परंपरा, तो आप किस आधार पर ये कह रहे हैं। वहाँ पे कोई अभी नहीं होती ना, क्यों नहीं होती है, रोज होती है वहाँ, रोज परिक्रमा करते हैं सनातन धर्म, रोज वहाँ पर सनातन धर्म परिक्रमा करते हैं। नहीं है बात खत्म। हाँ जी अनुमति नहीं है, आप अनुमति नहीं, अनुमति कैसी बात कर रहे हैं। हमको हमारा धर्म, हमारे धर्म के पालन में आप बाधा कैसे उत्पन्न कर सकते हैं। आप कौन होते मना करने वाले। रुको भाई हम बात कर रहे हैं ना, आप लोग कोई नहीं बोलेगा। हमको हमारे धर्म पालन में आप बाधा क्यों दे रहे हैं, कृपया बताइए। माननीय न्यायालय के आगे सभी लोग, माननीय न्यायालय का ऐसा कोई आदेश नहीं है। माननीय न्यायालय का, आपने हमसे कहा था बातचीत में कि 144 धारा है, हमने कहा था कि अगर आप हमसे कहेंगे हम दो लोग केवल कर लेंगे, हम आपके प्रशासन को सहयोग करना चाहते हैं, हम कोई भी कार्य ऐसा नहीं कर रहे हैं जो गैर कानूनी हो, लेकिन तब भी आप हमको अगर हमारे धर्म के पालन में बाधा देंगे तो ये उचित नहीं होगा।